हेलो गाइस, वेलकम टू तेजमटी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीन टॉप अपकमिंग मूवीज के बारे में। तो सिरेटिव काफी कमाल के मेरे पास टॉप अपडेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैप्टन मार्वल के बारे में। तो कैप्टन मार्वल मूवी रिलीज हो रही है 8 मार्च 2019 को, और इसका सबसे बड़ा अपडेट है न्यूयॉर्क की तरफ से। टाइम स्क्वायर सबसे बड़ा प्रोमो लॉन्च करा है कैप्टन मार्वल का, जो कि मार्वल की हिस्ट्री में अभी तक ऐसा प्रोमो लॉन्च नहीं हुआ। इससे पहले एवेंजर्स का हुआ था, फिर उसके बाद सबसे बड़ा प्रोमो लॉन्च हुआ कैप्टन मार्वल का। हॉट टॉय कंपनी ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि 2019 में वो कैप्टन मार्वल के फुल हॉट टॉय रिलीज करेगी, जो कि काफी डिटेलिंग वाले होंगे। आज तक कंपनी ने ऐसा कभी नहीं करा है। देन उसके बाद स्पेशल लुक। तो फाइनली कैप्टन मार्वल का स्पेशल लुक लॉन्च होने वाला है 7 जनवरी को, जो कि यूएस की डेट है। पर इंडिया में कब लॉन्च होगा? तो इंडिया में लॉन्च होगा 7:15 पर 8 जनवरी को, यानी कि आपको कैप्टन मार्वल का स्पेशल लुक लिखने वाला है, जो कि काफी कमाल का होने वाला है। तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। देन उसके बाद एम्पायर कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि वो फरवरी के महीने में कैप्टन मार्वल के स्पेशल लुक लॉन्च करने वाली है, जिसमें कि वो कैरेक्टर की डिटेल्स नजर आएंगी। तो देखते हैं कि ये मूवी में से हमें कौन कौन से सीन देखने को मिलते हैं। फाइनली कैप्टन मार्वल मूवी में आपको एक टीम दिखने वाली है, जिसका नाम है स्टार फोर्स। तो ये कौन सा पार्ट लीक अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि आपको कैप्टन मार्वल का कुछ दिखने वाला है। अब बात करते हैं एंड गेम के बारे में। तो ये मूवी रिलीज हो रही है अप्रैल के महीने में, इसकी रिलीजिंग डेट है 24 अप्रैल। तो बहुत बड़ी बात है कि 2019 में हमें जल्दी ही कैप्टन मार्वल और उसके बाद हमें एवेंजर एंड गेम दिखने वाली है। देन अभी हाल ही में एवेंजर एंड गेम के ऑफिशियली लीक कौन सा पार्ट लॉन्च हुए हैं, जिसमें कि हमें नेबुला, एंटमैन, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन मार्वल, रॉकेट रकून, और देन उसके बाद ब्लैक विडो, और उसके बाद थॉर। तो ये सारे कैरेक्टर लॉन्च होने के बाद कंफर्म ये हो जाता है कि जितने भी कैरेक्टर हमें एवेंजर इंफिनिटी वॉर में मरे दिखाई दिए थे, वो एंड गेम में रिटर्न होंगे। और ये सारे कौन सा पार्ट, हमारे सामने एक सबसे बड़ा सबूत है, जो कि आपने अगर ये नहीं देखी तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हो। अगर आप गूगल पर सर्च मारोगे कि अपकमिंग ह्यूग जैकमैन की मूवी, तो एवेंजर एंड गेम में सबसे ज्यादा नाम आएगा। तो लगता है कि वो शायद इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन में हो सकते हैं। एवेंजर्स एंड गेम में आपको कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड स्कल कंफर्मेशन दिखने वाला है, और देन ये लड़ाई आपको सबसे यादगार दिलाने वाली है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की ये शायद पॉसिबिलिटी लास्ट मूवी हो सकती है। फाइनली मार्वल स्टूडियो 2019 में काम करना चालू कर देगा एक्स मैन और फैंटास्टिक फोर कैरेक्टर के साथ। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो शायद हमें एवेंजर एंड गेम में छोटे से कैमियो के तौर पे देखे हैं। केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि स्टैनली इन फ्यूचर हमें 2028 तक देखने को मिलेंगे। अब ये कैसे पॉसिबिलिटी है, आप जानते हो सीजीआई द्वारा। देन उसके बाद सबसे खतरनाक अपडेट, 4 फरवरी को आपको टीवी स्पॉट देखने वाला 30 सेकंड का एवेंजर एंड गेम होगा। तो पॉसिबिलिटी है हमें इसमें काफी सारे नए लुक देखने को मिले हैं। पर टेंशन मत लो, एम्पायर मैगजीन कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि वो एवेंजर एंड गेम के ऑफिशियली फरवरी के महीने में लुक लॉन्च करने वाली है। तो क्या होगा इसमें, वो आगे ही देख के फ्यूचर में पता चलेगा 2019 में। देन उसके बाद सबसे बड़ा अपडेट, वॉर मशीन के पास अपने खुद का एक आर्मर होगा, बस्टर आर्मर, जो कि बहुत बड़ा होगा, जो कि शायद आप तक ने कभी नहीं देखा होगा। और देन सबसे फेवरेट सीन, कैप्टन अमेरिका अकेले लड़ते नजर आएंगे आउटराइडर्स से। तो आउटराइडर्स फाइनली दोबारा से रिटर्न हो रही है एवेंजर्स एंड गेम में, जिसमें कि कैप्टन अमेरिका लड़ते नजर आएंगे। देन एवेंजर्स एंड गेम में आपको बहुत बड़ा रूम दिखने वाला है, जो कि आयरन मैन का होगा, जिसमें कि आयरन मैन के सारे आर्मर देखने को मिलेंगे। तो ये सीन काफी लाजवाब होने वाला है हम मार्वल फैंस के लिए। देन उसके बाद आपको सुपर क्विन जेट दिखने वाला है, यानी कि अब तक की जितनी भी मार्वल मूवीज में क्विन जेट हमें देखने को मिला है, उससे सबसे बड़ा क्विन जेट आपको एवेंजर एंड गेम में दिखेगा। देन उसके बाद आपको दोबारा असेंबल वाला सीन दिखेगा, जैसे कि पहले पार्ट में देखने को मिला था, जिसमें कि कैप्टन मार्वल सबसे आगे खड़ी होंगी। तो काफी लाजवाब सीन होने वाला है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन मूवीज के बारे में। तो इससे रिलेटिव काफी कमाल के अपडेट है। तो ये मूवी रिलीज होगी जुलाई के महीने में, इसकी डेट को काफी डिले कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है मॉल्टन मैन का। तो स्पाइडरमैन मूवी में आपको पहला विलेन जो अटैक करता नजर आएगा वो होगा मॉल्टन मैन, जो कि स्पाइडरमैन से काफी दमदार तरीके से लड़ने वाला है। देन सेकंड विलेन होगा हमारा हाइड्रोमैन। तो हाइड्रोमैन पानी का बना होता है, और आपने ये कैरेक्टर कार्टून सीरीज में जरूर देखा होगा, तो ये मूवी में ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है। देन आपको थोड़ा हाईटेक दिखने वाला है स्पाइडरमैन मूवी में, वो होगा ड्रोन अटैक। तो ड्रोन अटैक काफी तादाद में जाके स्पाइडरमैन पे हमला करेंगे। तो ये सीन कैसे होगा, ये तो हमें मूवी देख के ही पता चलेगा। देन उसके बाद आपको मिस्ट्रियो के अलावा टोटल मूवी में 8 विलेन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है हम मार्वल फैंस के लिए। एक साथ अकेला हमारा स्पाइडरमैन और बाकी 8 विलेन। स्पाइडरमैन का पहला ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में। अब वो डेट रिलीज नहीं हुई है, जैसे ही रिलीज कंफर्म हो जाता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। देन उसके बाद स्पाइडरमैन का ऑफिशियल फर्स्ट लुक लॉन्च होगा एम्पायर मैगजीन की तरफ से फरवरी के महीने में। तो ये ऑफिशियल फर्स्ट लुक देखते हैं कब लॉन्च होगा, यानी कि अराउंड 5 फरवरी या 16 फरवरी को। और देन अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, फाइनली 2028 से लेकर और 2019 तक जितने भी मार्वल की मूवीज आएंगे, टीवी शो आएंगे, वो सारे कनेक्टेड होंगे डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस से, यानी कि डिज्नी प्लस। तो कैसा लगा वीडियो? तो सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, और इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाला। तो भाई बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करने वाला हूँ 2019 में, क्योंकि 2019 में मैं आपको कितना कुछ नया देने वाला हूँ, वीडियो से लेके, ऑडियो से लेके, अपडेट से लेके,
और देन टाइमिंग से लेके कि आपको एक्यूरेट में हर टाइम पे अपडेट दे पाऊँ, यानी कि 24 घंटे में 24 अपडेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने टाइम से जो मैंने वीडियो नहीं डाली है और जो मैंने प्रैक्टिस करी है आप लोगों के लिए, 2019 में आपको कुछ मैं नया दे पाऊँ हर चीज से रिलेटिव, फेस कैम से रिलेटिव। तो इंतजार करो, 5 दिन वीडियो नहीं डाली उस चीज के लिए सॉरी, बट आपको कुछ नया दिखने वाला 2019 में। तो वेट करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो जैसे 2018 में सपोर्ट करा। आई लव यू यार। और दिन रात आपने कमेंट करे, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया कि भाई आप वीडियो को नहीं डाल रहे हो, तो टेंशन मत लो, जितने लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ उसका जवाब मैं वीडियो से दूंगा, अपने अपडेट से दूंगा, अपने यूट्यूब चैनल से दूंगा, टेंशन नॉट। और हैप्पी न्यू ईयर, आपका साल ये अच्छा जाए 2019, सभी को ऐसे प्यार देते रहो, मुझे भी औरों को भी। चलते हैं, तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करो, और रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पे आकर इनके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।